अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। आपको किससे जानकर होगा? साले मारूस से, उसके भाई से अबकर मारूस और शेख जिलानी बोल के बिस्मिल्ला कॉलोनी में रहता उससे, और एक नदीम बोल के है, और एक मोहम्मद जाबरी मेन जो प्लानर है मोहम्मद जाबरी है। साले मारूस उसको सपोर्ट करता हूँ बोल के बोल रहा, ये वॉइस रिकॉर्ड है मेरे पास। इलोहा जो प्लानिंग कर रहे हैं सो, और कौन से एरिया में कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम। इलोहा बोल रहे हैं मैं एरिया में प्लानिंग करके रखा हूँ, वो एरिया में नहीं आ रहा, इसका एविडेंस है मेरे पास। तो मेरा भाई था, छोटा भाई था मेरा। मैं कानून से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं जितने भी जो बड़े ऑफिसर आए उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करके, जो भी था मेरा भाई कैसा भी था होगा अपनी ज़िंदगी सुख शांति से जी रहा था, ने सुकून से जी रहा था। मैं तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, सुने जो भी है कानून की कार्रवाई से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। सुने इनके उनके बातों में हमारे किसी का कुछ सपोर्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें हम, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें हम। पुलिस से, हम KCR से सबसे एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे भाई का इंसाफ होना। मेरे भाई को 8-9 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उसका अल्लाह अजल लेगा, उसका हर वो चीज़ का तकलीफ का अल्लाह अजल लेगा उन लोगों से। सुने मैं तो कानून से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई के जो भी खातिला हैं, जो भी गांडू हरकत करे सो है लोग, तो लोग जो भी करे ना हरकत गांडू हरकत है, मैं खुला बोल रहा हूँ कि इसलिए बोल रहा हूँ कि कानून की कार्रवाई से काम होना है मेरा। कानून से यही गुजारिश करो मैं, करे भाई अल्लाह के चाहने वाले बहुत थे, इसके दुश्मना ठीक है उलगज करे, नामा भी बोलो बोले तो बोल डालता हूँ, नहीं भी बोलना है तो मसला नहीं है, मेरे को नामा याद नहीं है, फिर भी आपको जो है वो डाल लीजिए आप लोग। पहले घर में नहीं बोले साहब हमारे, ये पुलिस भी मौजूद थी मौके पर? नहीं नहीं, पुलिस कुछ नहीं थी, पुलिस रहती तो मेरा भाई जान से हाथ धो के नहीं बैठा था। सुने मेरा भाई चले गया, मैं उसका बहुत तकलीफ में हूँ इस वक्त, पुलिस कुछ नहीं थी, पुलिस रहती तो ये काम होता भी नहीं था और होने भी नहीं देती थी पुलिस ये। सुने आप, मैं इलिया नाम का बड़ा भाई हूँ, ये करीब 2 साल से चल रही थी तनम तनी ये लोगों की, ये SOT में भी बुला के ये लोगों को वार्निंग देने लगाए, और हमारे बालापुर PS में जो सो भास्कर साहब के सामने ठहर के जो सो वहाँ पर भी वार्निंग देने लगाए लोगों को, तुम लोग आज देखो तनम तनी के बात नहीं करना, ये जो भी है अंडरस्टैंडिंग में जितना भी होगा ये कंप्रोमाइज़ कर लो, दोनों मिलो बोल के सर्कल साहब मिला के करके भिजाए। उनके बाबा हाफिज़ मारूस थे, मैं था, उसका बड़ा भाई, दोनों बैठ के बात करे, बात करने के बाद में जो सो ख़त्म करे बात को, ख़त्म करने के बाद में कुछ खुबा कॉलोनी में कुछ प्लाट वगैरह आए गए थे, वहाँ पर लाका वाकान डाल दिए उसके हमारे भाई के प्लाट पर जाके डाल दिए, तो जैसे इन्होंने जाके कौन डालेगी बोल के लाका वो तोड़ के इनके लाका डाल लेके आ गए। डाल लेके आने के बाद में जो सो यहाँ गली में से 3 बार गए, पहले मेरे कारखाने की गली में आए, वहाँ पे मेरे कैमरों में भी है वो लगा, फिर उसके बाद में ये गली में से गए तो जो है सो कंप्लेंट करता हूँ बोल के बोले इनू इलियाज मियाँ, कंप्लेंट करता हूँ बोले तो जक्रिया पाम जो है सो आके, नहीं नहीं कंप्रोमाइज़ नको करो, कंप्लेंट नको करो यार भाई, मैं बात करता हूँ, बात करके कंप्रोमाइज़ करके ख़त्म करा देता हूँ बोल के बोले। इसके गवाह आबिद मसूद भी है और अल्लाह आपको ने कि जो अब्दुल खादर है, बच्चा है मोहम्मद, वो पूरे जने है और अजहर है, इसके विटनेस हैं।
वो लोग आठ जने आए थे, आठ जने जगरी आवाम जो बात करा तो बोल के बोले उन्होंने दवाखाने तक आए, दवाखाने से गायब हो गए, उन्होंने दवाखाने को आए थे उन्होंने, मैं जाके जब देखने के बाद में जो सो अलो चले गए, दूसरे को बोल के गए बोल के बोल रहे उन्होंने। खैर गलत बात है वो, इन्होंने साले मारू जगरी आवाम के तो दोनों के काम कारोबार पूरे थे। दफेदार की भी आप लोग वीडियो देख सकते, यूट्यूब पे है लिंक लगी हुई दफेदार की, कैसा है मसला। अब रहा बात जो साले मारूस का, साले मारू जगरी आवाम पूरे जने मेरे कारखाने की गली में आए थे, वहाँ पे है सीसीटीवी फुटेज, अब मैं निकाल के जो सो देता हूँ आप लोगों को भी देता हूँ। पहले वहाँ पे आयो लगा सलाम करे, मैं बाहर अंदर से जो सो जवाब दिया आओ बोल के बोला, अंदर तो नहीं आयो लगा, उधर चले गए। तो मैं बोला कुछ भी काम कारोबार से आए होंगे, वही बोला मेरे भाई कने आएंगे बोल के नहीं मालूम था मेरे को, मेरे भाई कने आएंगे बोल के नहीं मालूम था। ये करीब करीब 9 बजे से पहले का वाक़ा है, 9 बजे का टाइम है साहब उसके, हाँ एक 10-15 मिनट के बाद में जो है सो फ़ोन आया मेरे को, ऐसा इलियास को मार दिया बोल के, बच्चा आज़ार बोल के है बच्चा, वो ने फ़ोन करा ऐसा इलियास को मार दिया ला, कौन कौन बोले तो ला साले मारूस है, अबूबकर मारूस है, इस्माइल मारूस है, और अबूबकर बिन अवेल बोल के है उन्हें है, और नदीम है, जिलानी है, ये प्लानिंग आकर के ऐसा काम करे। बोल के तो भी हैंड टू हैंड लड़ लेना था भाई, क्या था बोल देता था बता देता था ये। लेकिन बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शाहीन नगर में लेट इवनिंग में एक मर्डर हुआ करके इन्फॉर्मेशन आया था, ये इलियास नवाब करके आदमी है, इसके ऊपर बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है, और इसके पहले कुछ इसके ऊपर केस भी रजिस्टर हुए जो कि ऑलरेडी कोर्ट में अभी चल रहे हैं, उनका फैसला आना भी बाकी है। तो इस आदमी का जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर हमने तहकीकात शुरू कर दी है, सारी तुम्हारी टीम्स भी यहाँ पर पहुँच गई हैं, तो जल्द ही ये जो जिन लोगों ने भी इस कत्ल को अंजाम दिया उन सब लोगों को पकड़ लिया जाएगा हमारी तरफ से, और तब आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो किसी से दुश्मनी था उसका? वही हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी में पूरा मालूम हो के आएगा। लैंड डिस्प्यूट वगैरह थे? वही वही पूरी इंक्वायरी अभी कर रहे हैं, डिटेल में पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे हमको डिटेल फैक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को अपडेट करेंगे। ओके थैंक यू।